सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही विसराई, तेरे नमक हरमी मौसम को सूरदास जी कहते हैं, मेरे जैसे कुटिल खाल काम कोई हो सकता है, जिसने तुम्हें दुनिया दिया, जिसने घर मकान दुकान सब कुछ दिया, तू उसको ही भूल कर बैठ गया, उसको ही तू भूल कर बैठ गया, जिसने कुछ दिया ही नहीं उसको पीछे दिन भर लगे हुए हो, जिसने कुछ दिया ही नहीं उसको पीछे लगे हुए हो, और जिसने दिया उसको ही तू भूल कर बैठ गया, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके पहले ठाकुर को स्नान कराना, ठाकुर को दियाबाती लगाना, बैठ करके ऐसे माला है, ऐसे माला में भगवान की नाम जप करना, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 एक मोती सर करना, ठीक है ना। इसलिए खुद भक्ति करो, बच्चों को अंदर में भक्ति के संस्कार डालो, देख लो ना दोनों बच्चों को देखा है ना, उसको पिता माता यहाँ बैठे जानते हो कि दोनों बच्चों को देख लो, में तुलसी करती है, तिलक लगाती है, पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, इसके बच्चे को तुम जैसे पढ़ाई कर रहा है, ऐसे अभी तुम्हारी ऐसे बच्चों को तुम क्या करते होंगे, किसी लड़की को पीछे किसी मोबाइल में बैठे होंगे, नहीं तो किसी लड़की को पीछे घूमते होंगे, नहीं तो दारू पीते होंगे, यही तो करते होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं, बच्चों लड़कों के साथ में दारू पियेंगे, लड़की बाजी करेंगे, उसे छोरी ऐसे कर रही थी, उसको छोरा ऐसे कर रहा था, यही करेंगे बात, यही तो करते होंगे, लेकिन इन्हीं बच्चों को देखो क्या करते हैं, सत्संग में बैठे कितना अच्छी कथा सुना रहे थे ना, अच्छी कथा सुना रहे थे ना, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे भी ऐसी कथा सुना रहे, कितना संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, कब अच्छी बनोगे, जब संतन के संग बनेगी, ठीक है। हरि नाम करना और जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगाओ, इतना चीज समझो, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, ठाकुर जी को सामने तुलसी पत्ता रख करके भोग लगाना है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं जीवन का सब दुख दूर हो जाता है, वो अमृत भोजन करते हैं, जो मेरे को भोग नहीं लगाते अर्जुन केवल पाप भोजन करते हैं, है? भगवान को प्रसाद खाओगे मन को शांति मिलेगी, घर में शांति सुख आएगी, लेकिन प्याज लहसुन डालोगे तो खा ही नहीं सकते, अभी नवरात्रि में प्याज लहसुन खा रहे हो, काम चल रहा है कि नहीं, काम बंद हो गया तुम्हारे, चल रहा है ना, बल्कि पता नहीं एक महीना में कितना प्याज खा लेते हैं, कितने प्याज ना, तो पैसा बच जाएगी, इसलिए जो प्याज है ये गैया का मांस से बना प्याज है, जो लहसुन है गैया की हड्डी से बनी है, भागवत कथाती है जब भगवान सुदर्शन चक्र से स्वर भानु दैत्य को काट दिए, जहाँ पर उसको मांस गिर पड़ा वहीं से प्याज हुआ, जहाँ पर हड्डी गिर पड़ा वहीं पर लहसुन हुआ है, इसलिए नवरात्रि में तभी तो नहीं खा रहे हैं, माता जी को पसंद नहीं ना, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खा रहे हैं, क्या फिर खा करके नाराज कर दो, इसलिए हमारे बाबा बोल रहे थे, जो बाबा बैठे बोले 9 दिन तक दुर्गा 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 और उसको बाद में मुर्गा मुर्गा मुर्गा, अभी सारे मुर्गा दुकान बंद है, सारे मुर्गा दुकान बंद है, अभी दुर्गा दुर्गा बाद में क्या होगा, मुर्गा 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 मुर्गा, इसलिए भगवान की भक्ति करियो, भगवान की नाम लो उसमें शांति। अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, जो बच्चा है ना देखो ये दिल्ली के हैं, ये पिता माता की एक बेटा है, एमए बीए उसने किया, बढ़िया फर्स्ट क्लास में एमए बीए किया है उसने, इसने एमए बीए किया है, हैं? और ये बच्चा कॉलेज में जाता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में सब बच्चों को क्लास देता है, अंग्रेजी भाषा में सब बच्चों को क्लास देता है, दूसरों को प्रभु का भजन में लगाता है, भजन में लगाते हैं बच्चा। अभी थोड़ी सी आपको कथा सुनाएगा कैसे हम घर में रहकर भजन करें, ये जीवन किया है, हैं? जीवन किया है, भक्ति कैसे करें, तो खुला हुआ है। हरे कृष्णा, महाराज जी भी कीर्तन सुना रहे थे ना, मौसम कौन खुटिल कल कामी, मौसम कौन नमक हरामी। देखो एक प्रश्न पूछता हूँ, मानो कि अगर आज डॉक्टर बोलेगी किडनी फेल हो गई, एक किडनी लेके आओ किसी की, कोई आपका देगा, पड़ोसी किडनी देगा, कोई दोस्त देगा,
कोई भी नहीं दे। चलो मान लो अगर कोई दे दे, मान लेते हैं अगर कोई दे दे, मानो अगर किसी ने आपको अपना किडनी दे दिया और उसका किडनी लेने के बाद आप उससे पूरा जीवन बात ही नहीं करते, उसको कोई दुख होता है उसके दुख में जाते ही नहीं हो, उससे मिलना भी बंद कर दिया, उससे पूरा संबंध ही काट दिया जिसने अपना एक किडनी दान दिया, तो हम क्या कहलाएंगे? नमक हरामी। क्यों? क्योंकि भाई उसने तुम्हें अपना किडनी दिया है, कम से कम उससे उसके साथ बातचीत तो रख सकते हो, उसके दुख में दुखी सुख में सुखी तो हो सकते हो। तो सोचो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें एक किडनी दे और हम उसके साथ पूरा कनेक्शन ही काट दें और उसको अपना चेहरा ही ना दिखाए, ना उसका चेहरा देखे, तो हम कौन हो जाते हैं? नमक हरामी। तो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, और भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, एक एक भगवान ने सांस दिया है, जो हम सांस लेते हैं बताओ कौन लेता है? हम सांस को ले रहे हैं या सांस हमें ले रही है? विचार करो, हम सांस को ले रहे हैं या सांस हमें ले रही है? सांस हमें ले रही है, सांस हमारे हाथ में नहीं है, सांस ने हमें जीवित रखा हुआ है, हमने सांस को जीवित नहीं रखा। तो जो एक एक सांस ले रहे हैं ये कौन है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्राण अपान समयुक्त, कि मैं अंदर बैठ के सांस को जोड़ता हूँ। जो हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं उसको जोड़ता कौन है? कभी विचार किया? गीता में भगवान कहते हैं मैं जोड़ता हूँ। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाता कौन है? भगवान कहते हैं पचामी अन्नम चतुर्विदम। जो तुम खाना खाते हो उसको पचाने की शक्ति भी कौन देता है? भगवान कह रहे मैं उसको पचाता हूँ। अगर खाना पचना आज बंद हो जाए बंदा जीवित रह पाएगा? जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, एक एक सांस भगवान दे रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया। तो कहते हैं कि अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हम कौन कहलाएंगे? सब नमक हरामी। एक दिन सूरदास जी एक गाँव से जा रहे थे, तो गाँव से जा रहे थे, वहां पे एक नई एक लड़की है जिसका भी अभी शादी होगा, शादी से पहले उसका रोका हुआ, जब उसका रोका हुआ तो उसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उसको बड़ा सुंदर नथनी दिया जो नाक में पहनते हैं। तो जब वो सुबह पानी भरने के लिए जा रही थी गांव से, तो अपनी सखियों को बार बार बता रही थी कि देखो मेरा यार कितना सुंदर है, मेरे घर वाले कितने सुंदर हैं, जहाँ मेरी शादी होने वाली है उन्होंने मुझे हीरे का नथनी दिया, हीरे का नथनी दिया। बार बार अपने यार की और उस हीरे की नथनी का गुणगान गा रही है। पीछे से सूरदास जी जा रहे हैं, अब इतना सुनने के बाद उनको थोड़ा सा उसके ऊपर रोष हुआ, थोड़ा सा गुस्सा हुआ, बोले कि भाई एक बात बताओ, नथनी दी जिस यार ने उसको बारंबार याद, जिसने तुम्हें नथनी दिया उसको तो तुम बार बार याद करते हो, नाक दिया जिस प्रभु ने उसको दिया कतार, और जिसने तुम्हें नाक दिया उसको तो तुम भूल ही गए हो। अगर नाक ही न होता तो नथनी कहाँ पहनते, कान ही न होता तो कुंडल कहाँ पहनते, समझ रहे हो? तो अगर आंख ही न होती देखते क्या? तो जिसने मनुष्य जीवन दिया उसको तो हम भूल चुके हैं, और जो छोटी छोटी जो चीजें देते हैं उसी के पीछे हम लोग पागल होते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बनना चाहते हैं? भगवान के भक्त या नमक हरामी? भगवान के भक्त। और जो भगवान के भक्त है वो भगवान का भजन करते हैं। अगर हम लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया तो हम सब लोग क्या कहलाएंगे? हम सब लोग कहलाएंगे फिर नमक हरामी। ये हम सबके ऊपर गाली। देखो भगवान को भक्त मतलब भगवान का धन्यवाद करना, भगवान का धन्यवाद हर कोई कर सकता है। एक बारी एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी में से जा रहा था, उसने गाड़ी के बाहर देखा एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा है, तो उसने भगवान का धन्यवाद दिया, इतनी गर्मी का समय है मैं अपनी एसी गाड़ी में तो जा रहा हूँ, मुझे स्कूटर में तो जाना नहीं पड़ रहा। जो व्यक्ति स्कूटर में जा रहा था उसने एक व्यक्ति को साइकिल पे जाते हुए देखा, उसने भी भगवान का धन्यवाद दिया कि भगवान कम से कम मैं स्कूटर बाइक पे तो हूँ, साइकिल पे इतनी गर्मी में मुझे पता नहीं कितने घंटे लग जाते, अभी 15 मिनट में घर भी पहुंच जाऊंगा। जो साइकिल पे जा रहा था उसने एक व्यक्ति को पैदल जाते हुए देखा, उसने भी भगवान का धन्यवाद दिया कि हे भगवान हे कृष्ण तेरा धन्यवाद, कम से कम साइकिल तो है, पैदल कहाँ कहाँ तक जाता। जो व्यक्ति पैदल जा रहा था उसने एक व्यक्ति को व्हील चेयर पे देखा जिसके पैर ही नहीं है, उसने भी भगवान को धन्यवाद दिया, अरे भगवान कम से कम मेरे पैर तो है, अगर मेरे पैर ही ना होते तो मैं क्या करता। जिसके पैर नहीं होते, जिसके पैर नहीं थे उसने भी भगवान का धन्यवाद दिया, किसको देख के? एक पागल व्यक्ति को देख के, देखा एक सामने पागल जा रहा है, उसने बोला भगवान तेरा धन्यवाद, पैर ही गए ना, दिमाग तो है ना कम से कम, अगर दिमाग ही ना होता तो क्या करता, समझ रहे हो? तो बोला कि भगवान अच्छा हूं मैं पागल तो नहीं हूं, कम से कम पागल तो नहीं बनाया। जो पागल था उसने भी भगवान का धन्यवाद दिया, क्या देख के? उसने सामने एक व्यक्ति को मरता हुआ जाते हुए देखा, उसने बोला भगवान कुछ नहीं होता, पागल नहीं तो कुछ नहीं होता, जिंदा तो हूं कम से कम, मरा तो नहीं। जो मर चुका है वो धन्यवाद नहीं दे सकता,
जो मर गया वो क्या बोलेगा? वो राम नाम ले सकता है, वो भगवान का धन्यवाद दे सकता है, भजन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। बाकी हर स्थिति में भगवान का भजन कर सकते हैं, हर स्थिति में। लेकिन जब एक बार व्यक्ति मर जाए फिर वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। इसलिए जब तक प्राण है, महाराज जी बता रहे थे ना अभी चार रानी वाली कथा, वो चौथी रानी कौन सी है? ये हम सबके गले माला देख रहे हो, ये हमारी चौथी रानी है। इसको हम हमेशा अपने साथ लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें धोखा नहीं देगी। आप लोगों की चौथी रानी क्या है दिखाओ? है ही नहीं। आप लोग बोले राजा हो जिनकी चौथी रानी नहीं है, तो इसलिए अपने पास सब ये चौथी रानी रखो। ये चौथी रानी है हमारा नाम धन, ये हमारा भजन। इसलिए देखो भक्त लोग इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, सोते खाते पीते उठते हमेशा ये अपने साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये हमारी रानी हमारे साथ जाने वाली है। और देखो अगर भगवान कृष्ण का भजन करोगे, अभी दुर्गा के सप्तमी ये जो था किसने रखा था उपवास, नवरात्रे किस किसने रखे थे हाथों पर करो? नवरात्रे नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? आप लोगों ने नवरात्रे क्यों नहीं रखे? रखते नहीं आपके गांव में? अच्छा पूरे नहीं रखे, एक हाथ तो रखा होगा, एक हाथ तो रखा, हाथों पर करो, चलो एक भी रखा हो तो। अच्छा देखो, अच्छा शनि देव के मंदिर जाते हो? नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कौन कौन से मंदिर जाते हो? शिवजी के मंदिर जाते हो? शिवजी के मंदिर जाते हो? शिवजी के मंदिर जाते हो और किसके जाते हो? दुर्गा देवी के जाते हो, शिव मोहन बाबा के। अच्छा और ये क्या नाम है, भैरव बाबा के मंदिर नहीं जाते? नारायण के मंदिर भगवान नहीं जाते? सुनो देखो, जितने भी देवी देवता होते हैं हमारे ऊपर, जब भी कोई संकट आते हैं तो कोई ना कोई देवी देवता का कोई संकट आता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, कई बार राहु भारी हो जाता है, कभी केतु भारी हो जाता है, कभी सूर्य कभी चंद्रमा भारी हो जाता है, कोई सूर्य की पूजा करता है कोई चंद्रमा की। तो हमारे भारतीय संस्कृति में 33 कोटी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता। एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। सबको प्रसन्न कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, क्योंकि ये सारे देवी देवता हैं, ये भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, राम ही भगवान है। अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो उसको किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, सारे के देवी देवता उससे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये जो राम जी है ना, राम जी भगवान है, उनको किसी देवी देवता को नहीं प्रसन्न करना पड़ता जो राम का भक्त है। हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? केवल राम जी की। क्या किसी देवी देवता से डरते हैं? वो तो सूर्य को पूरा निगल गए थे। सुना नहीं सुना, लिल्यो ताही मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा में आता है ना कि पूरे सूर्य को निगल गए। तो देखो भगवान के भक्त में कितनी शक्ति होती है कि पूरे सूर्य को निगल गए, उनको कोई डर लगेगा नहीं। तो जो भगवान की शरण में चले जाता है उसको किसी देवी देवता की उपासना नहीं करनी पड़ती। एक दिन जो शनि देव है वो सबके ऊपर 7:30 आती है। सुना ना, जीवन में सबके ऊपर एक ना एक बारी 7:30 आती है, सुना होगा ये भारत में बोलते हैं। तो एक बारी शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंच गए, बोले कि आपके ऊपर भी मैं 7:30 लेके आया हूँ, अब आपके ऊपर मैं 7.5 साल के लिए बैठ जाऊंगा आपके सर पे। हनुमान जी बोले हाँ जी मोस्ट वेलकम, आओ बैठ जाओ। तो शनिदेव जी ने क्या किया, हनुमान जी के सर पे चढ़ गए 7:30। अब हनुमान जी क्या है, कीर्तन प्रेमी है, उनको भगवान का कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, सामने देखा एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी है, पर्वत का बड़ा चट्टान पड़ा है। अब वो तो हनुमान जी है, पर्वत की चट्टान उठाई और अपने सर के ऊपर रख ली, और सर पे कौन बैठा है? शनि बैठा है, और दोनों हाथ से जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नाच रहे हैं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे हम लोग नाचते हैं ना छलांग मारते हैं, तो ऐसे ऐसे हवा में ऊंची ऊंची छलांग मार के नाच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम। और शनि वहां पे बैठा हुआ है बीच में, और पहाड़ की चट्टान से क्या हो रहा है, मानो शनि की चटनी पिस रही है। तो बोल रहे हैं भाई मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। हनुमान जी कह रहे हैं भाई अभी तो केवल 7 मिनट हुए हैं, तुम्हें तो कितने साल बैठना है, 7.5 साल बैठने भी बैठे रहो बैठे रहो। शनि ने बोला भाई तब तक तो मैं मरी जाऊंगा, मुझे नीचे उतारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मुझे नीचे उतारो। हनुमान जी बोले देखो एक शर्त पे उतारूंगा, ये वचन देना पड़ेगा कि जो भी राम का नाम लेगा जो भी कृष्ण का नाम लेगा तुम कभी भी उसको परेशान नहीं करोगे। शनि ने बोला भाई मैं आगे से हाथ जोड़ता हूँ, जो राम और कृष्ण का नाम लेगा मेरी छाया भी उसके पास नहीं जाएगी, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। वहां से फिर शनि नीचे उतर आया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, उसको किसी देवी देवता से नहीं डरना पड़ता, सारे के सारे देवी देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। देखो अर्जुन, ऐसी एक कथा और आती है। एक बारी
जब महाभारत युद्ध होगा, युद्ध से पहले जो पितर है, पितर होते हैं ना, पितर, पितरों को संतुष्ट करना है। अब पितरों को संतुष्ट करना है ताकि पितरों का आशीर्वाद मिले, हम युद्ध जीत जाए। तो गया के किनारे पितरों को संतुष्ट करने के लिए कौरव भी पहुंच गए और पांडव भी पहुंच गए। अभी अमावस्या आएगी, कल अमावस्या आएगी, तो वहां पे क्या है, पितरों का जो तर्पण होता है वो अमावस्या में किया जाता है, अमावस्या में उनका तर्पण करेंगे। अब उतरे में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले कि देखो अगर हम पहले पितरों को प्रसन्न कर लेंगे ना तो हम युद्ध जीत जाएंगे। उन्होंने बोला लेकिन पहले तो वो कर लेंगे कौरव लोग, उनके पास इतना सारा धन है और ब्राह्मण को क्या चाहिए, धन चाहिए, जो धन देगा उसके पास भागेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले वो तो कल करेगा ना, हम आज ही कर लेते हैं। तो अर्जुन बोले प्रभु हम आज कैसे कर सकते हैं, अमावस्या तो कल है, तो पितृ तर्पण तो कल होगा, आज तो होगा नहीं। भगवान बोले नहीं हम आज ही करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बिठा के पितृ तर्पण करने के लिए बैठ गए। अब ब्राह्मण तो चाहिए, अब सारे ब्राह्मण आए, अब सारे ब्राह्मण देख रहे हैं भाई ये तो भगवान उल्टा काम कर रहे हैं कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण होता है और ये कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं अमावस्या से एक दिन पहले, ये क्या हो रहा है। तो सारे के सारे ब्राह्मण जो थे दो दो भाग में बट गए। कुछ ब्राह्मण बोले कि भैया हम तो करेंगे क्योंकि भगवान बैठे हैं, कुछ बोले नहीं हम तो नहीं करेंगे। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो जो ब्राह्मण आगे तर्पण करने के लिए, भगवान ने उनको बहुत सारा दान दिया, ब्राह्मण थोड़े लालची होते हैं, तो सारे ब्राह्मण बोले नहीं कुछ नहीं होता, हम भी आज ही कर लेते हैं, जो भगवान कर रहे हैं वही धर्म है। अब सूर्य और चंद्रमा जो है, जब उन्होंने देखा उनकी भी मति भ्रम हो गई, कह रहे हैं अरे ये तो भगवान है और भगवान ने खुद नियम दिया कि पितरों का जो तर्पण है वो हम अमावस्या में करते हैं, तो भगवान आज कैसे कर रहे हैं, ये तो उनको कल करना चाहिए। तो सूर्य चंद्रमा भी मानो डर गए और सोच रहे कि ये हो क्या रहा है, भगवान गलत कैसे कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्रमा दोनों भगवान को बताने के लिए आ गए, एक तरफ सूर्य आ गया एक तरफ चंद्रमा आ गया, और बताया कि सोच रहे कि भगवान भूल तो नहीं गए कि अमावस्या कल है। दोनों आके भगवान को बोले प्रभु अमावस्या आज नहीं, अमावस्या कल है। तो देखो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान बोले अमावस्या कब आती है, जब साइंस के हिसाब से जब सूर्य चंद्रमा सामने आ जाते हैं ना तो चंद्रमा दिखता नहीं है, वो अमावस्या होती है। तो जब भगवान कृष्ण के पास सूर्य चंद्रमा दोनों खड़े हो गए, एक इस तरफ दोनों क्या हो गए, आमना सामने हो गए, तो बोले अभी अमावस्या हो गई इसलिए अभी हम तर्पण करेंगे। तो उसी दिन तर्पण कर दिया और इसलिए ये लोग महाभारत जीत गए। तो देखो जो भगवान का भक्त होता है देवी देवता भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, सारे देवी देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, तो उसको किसी भी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान कृष्ण की शरण ले लो तो सब कुछ पूरा हो जाता है। कैसे, एक उदाहरण और देता हूं। देखो मानो एक लड़का है, उसके पिताजी बहुत अमीर है, उसने अपने पिताजी को बोला देखो पिताजी बात ऐसी है, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, आपकी संपत्ति का जितना हिस्सा मेरा बनता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं अपना अपना जीवन जीऊंगा। पिताजी ने कहा देख बेटा अगर तू मेरे साथ रहता तब तो देखो संपत्ति में हिस्सा मिलता, अब तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये पकड़ 20 लाख रुपए और अपना जीवन जी ले, मैं और पैसा देखो अपनी संपत्ति में से दूंगा नहीं। उस बच्चे ने 20 लाख रुपए लेके एक बिजनेस करना शुरू किया यही गुड़गांव में आके, 6 महीने के अंदर उसका सारा बिजनेस फेल हो गया और 20 लाख रुपए मिट्टी हो गए। अब ये बड़ा दुखी है, इसको याद आया कि मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं वो गुड़गांव में ही रहते हैं, अपने पिताजी के दोस्त के पास गया, बोला कि क्या आप मुझे 20 लाख रुपए दे सकते हैं और मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस वापस ऊपर आ जाएगा, जो मेरे 20 लाख डूबे हैं वो भी आ जाएंगे और आपके पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। तो उसके पिताजी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा भैया इसका पिता तो बहुत अमीर है क्या हो गया, मैं दे देता हूँ। उसके पिताजी के दोस्त ने इस लड़के को 20 लाख रुपए दे दिए। अब 6 महीने फिर इसने बिजनेस में लगाए और ये 20 लाख भी खत्म हो गए। तो 20 लाख पिताजी का गया और 20 लाख किसका गया, इसके पिताजी के मित्र का गया। अब इसके पिताजी के मित्र इसको रोज बोलते हैं भाई मेरे पैसे वापस कर, भाई मेरे पैसे वापस कर, मित्र है तो ये सुन ले कि पैसे छोड़ देंगे, पैसे वापस कर। ये बेचारा बच्चा दे ही नहीं पाता, तो उन्होंने गुंडे बदमाश भेज दिए इसको मारने के लिए कि पैसे वापस कर ना, देखो उठवा देंगे, देखो मार देंगे, इसको रोज धमकी आने लगी। अब बेचारे के पास कुछ खाने को भी पैसे नहीं है, बड़ा परेशान हो गया। तो आखिरी में परेशान होकर ही अपने पिताजी के पास वापस गया। आप लोग बताओ जब ये अपने पिताजी के पास वापस जाएगा पिताजी इसको स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे, पिताजी तो स्वागत करेंगे, दो हाथ लेके खड़े हैं, मेरा बेटा वापस आ गया, बेटे को ले लिया। बेटे को बोले कुछ नहीं होता बेटा, 20 लाख गया तो गया, हमारे पास तो करोड़ों रुपया है, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम यहीं पे रहो और मेरा धंधा संभालो। अब पिताजी के साथ रह के अपना धंधा संभालने लगा। अब प्रश्न पूछूंगा देखना,
अब वो जो इनके पिताजी के मित्र थे जिन्होंने 20 लाख रुपए दिया था, अब जब उनको पता चला कि ये बेटा अपने पिताजी के पास वापस चला गया है, तो वो इनके पास पैसे मांगने आता ही नहीं है। पहले तो गुंडे बदमाश भेजता था, धमकियां देता था पैसे वापस दो, लेकिन अब जिस दिन ये बेटा अपने पिताजी के पास वापस गया, उस दिन से इस व्यक्ति ने उससे पैसे मांगना बंद कर दिया। आप लोग बताओ क्यों बंद कर दिया? नहीं, वो अपने पिताजी के पास चला गया तो वो पैसे नहीं मांगेगा, वो भगवान के पास थोड़ी ना गया, ऊपर थोड़ी ना गया जो पैसे नहीं मांगेगा। वो अपने पिताजी के पास गया, अभी भगवान की बात नहीं हो रही, वो अपने पिताजी के पास गया, इसके पिताजी के मित्र हैं जिन्होंने पैसे दिए, अब वो उससे पैसे मांगते ही नहीं है। पहले तो बहुत धमकियां देते थे पैसा दो पैसा दो, अब क्यों नहीं मांगते? मैंने सुना है गुजरों में बहुत दिमाग होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। समझ गए, बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आया नहीं? समझ में आया जो प्रश्न पूछा है? जिनको समझ में आ गया प्रश्न, समझ में आ गया नहीं आया? नहीं आया प्रश्न भी समझ में? नहीं आया तो इतनी देर से सुन क्या रहे थे? एक बेटा है अपने पिताजी का, उसने पिताजी के मित्र से 20 लाख रुपए मांगे जब पिताजी से अलग रहता था, और ये इसके जो जिनसे पैसे मांगे वो बार रोज बोलते हैं पैसा वापस करो पैसा वापस करो, ये पैसा वापस नहीं कर पाता तो इसलिए पिताजी के पास वापस चला गया। अब जब पिताजी के पास वापस चला गया तो पिताजी के मित्र ने पैसे मांगने ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया बताओ, क्यों कर दिया? उत्तर क्या बताओगे? तुमको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। देखो, उसने इसलिए मांगना बंद कर दिया क्योंकि उसके जो पिताजी के मित्र हैं उन्होंने उसके पिताजी से 1 करोड़ रुपए उधार लिया हुआ है और वो कभी चुका नहीं पाया। अगर अब वो जाके बोलेगा कि आपके बेटे ने 20 लाख लिया था मेरे को वापस करो, तो वो क्या बोलेंगे? भाई 20 लाख काट के बाकी के 80 लाख मुझे वापस कर। इसलिए अब वो जाता ही नहीं है। जब बेटा अलग रहता था तब अलग बात थी, लेकिन अब वो अपने पिताजी के पास चला गया, अगर वो पैसे मांगने जाएगा तो पिताजी सामने आएंगे नहीं आएंगे? बोलेंगे भाई तू कैसे पैसे मांग सकता है। समझ में आई? उसी प्रकार से इस जगत में जितने भी जीव है सब किसके ऋणी है? सब कृष्ण के ऋणी है। सूर्य भी कृष्ण के ऋणी, चंद्रमा भी कृष्ण का ऋणी, धरती भी कृष्ण की ऋणी, हमारे पितर भी सब कृष्ण के ऋणी। सब किसके ऋणी है? भगवान कृष्ण के सब ऋणी है। तो हम भगवान की संतान है, अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो सारे के सारे जो देवता है वो ऋण मांगने आएंगे? क्या कोई देवता ऋण मांगने आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? उसको पता ही है किसके पास चला गया, परमपिता भगवान कृष्ण की शरण में चला गया। इसलिए अगर आप लोग कृष्ण का भजन करते हो तो आपको किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान कृष्ण का भजन करना है। और देखो कितने बार सब लोग गए गिरिराज जी दर्शन करने, कौन कौन गए हाथों पर करो गिरिराज जी, ये तो लेंगे पीछे जो बैठे हैं ये सब। कब जाओगे? अगले जन्म पे कब जाओगे? बूढ़े तो हो चुके हो। गिरिराज जी नहीं गए? इतने पास में रहते हो गिरिराज जी के? लोग विदेश से कहां कहां से गिरिराज जी दर्शन करने आते हैं, आप लोग यहाँ से गिरिराज जी नहीं गए अभी तक? ये तो बड़ी आश्चर्य है। खसम नहीं लेके गए तो आप उनको ले जाओ, गिरिराज जी तो हो क्या हो कम से कम? इतने पास में गिरिराज है, वृंदा है, वृंदावन है, मथुरा है, और गुज्जर लोग तो वहीं से आए हैं सारे, बरसाना से तो आए हैं, तो अपने गांव तो देख के आओ कम से कम गिरिराज कैसा है। ये नकली गांव है, असली गांव वही है पूर्वजों का, ठीक है? तो अभी कितने लोग माला करेंगे? हर एक जानते हो माला के बारे में? नहीं जानते? ये जो माला है हम सबके पास माला है ना, ये माला इस पे हम लोग माला करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला है। घर पे किसके इतने लोगों के पास माला है? अभी पीछे माला भी नहीं है घर पे? ना घर पे माला है ना कभी गिरिराज जी गए। घर पे तुलसी जी है? तुलसी जी, अच्छा देखो ये हिंदुओं के घर पे सबके घर पे माला होनी चाहिए, 108 मनके वाली, सारे हिंदुओं के घर पे माला होनी चाहिए। अगर हिंदू हो ना पक्के हिंदू बनो, इसमें रोज भगवान का नाम करना चाहिए। जैसे भी महाराज जी ने बताया कलयुग में केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम। भगवान के नाम को छोड़ के और कोई साधन नहीं है। जब कोई व्यक्ति मरता है क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तब ये क्यों नहीं बोलते उसकी प्रॉपर्टी सत्य है, उसके 10 किले सत्य थे, 5 किले सत्य थे,
उसकी कोटी सत्य थी, उसकी गवर्नमेंट जॉब सत्य थी, कोई बोलता है? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे साथ जाएगा। भगवान के नाम को छोड़ के और कुछ भी इस जगत से हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए अभी से ही आप लोग ये देखो कि कितना नाम कमाया भगवान का, कितना नाम कमाया, कितना नाम कमाया, सोचो विचार करो। जैसे एक देखो, जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वो विचार करते हैं कि आज मैंने कितना धन कमाया, करते या नहीं करता? अगर दूध भी बेचते हो तो विचार करते हो ना, आज कितना आया और कितना गया। तो उसी प्रकार से जीवन का विचार करो कि हमारे जीवन में कितना प्रभु का नाम लिया, कितना हमने भगवान का नाम कमाया। ये नाम धन है जो हमारे साथ जाएगा, इस नाम धन को छोड़ के और कुछ जाने वाला नहीं है। आप लोगों ने हाथ में सोना पहनते हो ना, सोना, बताओ क्यों पहनते हो? उत्तर है कोई? ये प्रश्न है, सोना क्यों पहनते हो? उत्तर दो। अगर आप उत्तर दोगे मैं अभी सोने की एक चेन दूंगा। चलो बताओ सोना क्यों पहनते हैं? किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। तो नकली पहन लो, क्या पता चलेगा? इसका उत्तर किसी के पास नहीं होगा, मैं जानता हूँ। हम सोना क्यों पहनते हैं, सबको उत्तर नहीं है। मानो अगर आज सोना सस्ता हो जाए और चांदी महंगी हो जाए तो क्या पहनोगे? तो सोना उठा के फेंक दोगे, चांदी पहनोगे? पहनोगे नहीं पहनोगे? उसका कोई उत्तर नहीं, हम सोना क्यों पहनते हैं। लेकिन जितना भी सोना पहनते हैं, मरने के साथ साथ क्या होता है, सब लोग उतार लेते हैं और आगे बहुएं लड़ती हैं, ये मेरा ये तेरा। इसलिए जो वास्तविक वस्तु है जो हमारे साथ जाएगी, सोना भी नहीं जाएगा, तन पे जो कपड़ा पहना है वो भी उतार लिया जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है, तन भी नहीं जाएगा। केवल भगवान का जो आप लोगों ने नाम लिया है वो नाम ही आपके साथ जाएगा, नाम के अलावा इस जगत से कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, कहते हैं प्रेत कहीं लागी भागी, पत्नी भी पति के शरीर को देख के डर जाती है, उसको लगता है भाई ये तो प्रेत आत्मा हो गया, उसको भी डर लगता है। क्या पत्नी पति के साथ अकेले रह सकती है उस घर में? नहीं रह सकती। अगर उसका आत्मा निकल जाए उसको भी डर लगेगा, घर से बाहर आ जाएगी। तो ये संसार का सच है कि इस जगत से आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए अभी से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। क्योंकि अगर भगवान का नाम नहीं लिया, प्रभु की भक्ति नहीं करी, तो भगवान दोबारा मनुष्य जीवन देंगे नहीं। भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है अपने भजन के लिए दिया है। मनुष्य जीवन के अलावा और ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें भगवान की प्राप्ति कर सको। बैल भगवान का भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। गाय भजन कर सकती है? नहीं कर सकती। केवल मनुष्य योनि में ही हम भगवान को जान सकते हैं, और कोई योनि में भगवान को नहीं जान सकते। तो इसलिए अपना जो मनुष्य जीवन जो चला गया सो तो चला गया, जो आगे का जीवन है उसको भगवान की भक्ति में दो, और अभी से ही भगवान को अपना एक सदस्य मान लो, भगवान से प्रेम करो। भगवान के अलावा आपका इस जगत में कोई नहीं है, इसको अभी से ही समझ के रख लो। तो इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए कलयुग में दो वस्तु है, एक है भगवान का नाम और दूसरा है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत के बारे में सुना कभी? सुना है एकादशी व्रत? क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे उसको? एकादशी ही बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान में उसको ग्यारस बोलते हैं, एकादशी व्रत। देखो कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर सकते हम लोग, कलयुगी जीव हैं। तो भगवान ने हम कलयुगी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए बहुत सरल तरीका निकाल दिया भगवान की प्राप्ति का। केवल एक व्रत रखना है, एकादशी का व्रत बस। ये एकादशी व्रत 15 दिन में एक बार ही आता है, महीने में दो बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष, एक बार शुक्ल पक्ष। और इस एकादशी व्रत की ऐसी महिमा है, इसको साक्षात बोला गया है माधव तिथि, यानी कि भगवान कृष्ण जीवों का उद्धार करने के लिए खुद भगवान कृष्ण तिथि के रूप में आते हैं। इसलिए जब माधव तिथि आती है उस दिन सारी की जीवात्माएं भगवान के वैकुंठ को जाती है। तो जो यमराज है, यमराज जी परेशान हो गए। यमराज जी बोले प्रभु जब आपकी माधव तिथि आती है सारी की सारी जीवात्माएं तो वैकुंठ चली जाती है, यमलोक में तो कोई आता ही नहीं है, कोई भी पाप करता ही नहीं है उस दिन। तो आज के दिन एकादशी के दिन भगवान ने यमराज जी के कहने पे पाप को वास दिया अनाज पे, जितना भी अनाज है। अनाज यानी कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये अनाज होता है, दालें हो गई। तो एकादशी के दिन सारा का सारा पाप अनाज पे जाके बैठ जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अगर कोई अनाज खाता है तो उसको मातृहत्या, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन किसी को भी अनाज नहीं खाना चाहिए। हमारे जो पहले के जो राजा होते थे, पहले के राजा ऐसे होते थे कि अगर किसी ने एकादशी में अनाज खाया
तो उसको वो देश से ही बाहर निकाल देंगे, तुम हमारे देश में नहीं रह सकते, देश बहिष्कार दे दिया जाएगा, इतने पक्के राजा होते थे। ये एक आजीव व्रत ऐसा है, देखो आज तक इतिहास में जितने भक्त हुए हैं सब भक्तों ने केवल एक व्रत रखा है, वो है एकादशी। मीराबाई का नाम सुना? मीराबाई कोई सोम मंगल के व्रत नहीं रखती थी, केवल एक व्रत रखती थी, कौन सा? एकादशी का। उसके बाद नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके यहाँ पे संतान नहीं हो रही थी, एक संत के पास गए, संत ने बोला अगर आप एकादशी का व्रत रखोगे साक्षात ठाकुर जी आपके पुत्र के रूप में आएंगे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रज में एकादशी रखते थे। आप लोग गुज्जर हो, आपके जो गुज्जर के पूर्वज हुए हैं, जो बरसाना में नंदगांव में जहां से गुज्जर की शुरुआत हुई है, वहां पे आज भी जाके देखो सारे गुज्जर ब्रज में केवल एक ही व्रत रखते हैं, कौन सा? एकादशी का व्रत रखते हैं। उसके बाद रुक्मणी, रुक्मणी जब छोटी थी उसके मन में इच्छा थी कि कृष्ण जब मैं बड़ी हूं मेरे पति हो, तो उसको एक संत ने बोला तू एकादशी का व्रत रखियो, कृष्ण तेरे पति बनेंगे। तो रुक्मणी भी एकादशी का व्रत रखती है। यहां तक कि हनुमान जी, राम जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी भी एकादशी के दिन फलाहार करते हैं, केवल फल, एकादशी के दिन वो भी वो नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, हनुमान जी भी एकादशी का व्रत रखते हैं। इसलिए जो प्राचीन हनुमान जी के मंदिर है एकादशी के दिन उनको अनाज भोग नहीं लगाया जाता, उनको फलाहार भोग लगाया जाता है। तो आप देखोगे जितने भक्त हुए हैं सब भक्तों ने अगर ठाकुर जी को प्राप्त किया है तो वो केवल एकादशी के व्रत से किया है। एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि वो आपको भगवान के धाम लेके जा सकता है, और भगवान की भक्ति तो देता ही है, साक्षात प्रभु आपको मिल जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने वैकुंठ से दूतों को इस जगत में छोड़ के रखा, क्या बोले कि जाके ढूंढो, क्या ढूंढो? जाके ढूंढो कि धरती में कलयुग में कौन एकादशी व्रत रखता है, और जो भी एकादशी व्रत रखे उसका नाम रजिस्टर में लिख के मेरे पास लेके आ जाना, उसको मरने के बाद मैं इस जगत में दोबारा नहीं भेजूंगा, उसको मैं दोबारा अपने धाम में बुला लूंगा। तो अगर आप लोग एकादशी व्रत रखते हो, आपको भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको ढूंढेंगे, ये इतना बड़ा व्रत है। इसलिए आप लोग एकादशी के दिन क्या करो, केवल फलाहार करो, फलाहार। और देखो एक आज, हाँ, भारत में सब्जी, काशीफल का सब्जी, काशीफल हो गया, आलू का सब्जी, जैसे नवरात्रि व्रत में रखते हैं ना, नौ दिन तक तो फलाहार करते है ना, नौ दिन के साथ इसी काम से करते। और एकादशी का देखो, आपको एकादशी के दो बहुत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। अगर आप लोग एकादशी व्रत रखोगे आपका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, जो हमारा उम्र है ना, एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है उसको रखने से उम्र बढ़ जाती है। जितने रोग हैं सारे के सारे व्यक्ति निरोग हो जाते हैं एकादशी व्रत रखने से, उसके जितने रोग हैं सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, क्या बोलते हैं? जीते रहो, यही बोलते हैं ना, जीते रहो। तो हमारे आशीर्वाद देने से होगा या भगवान के आशीर्वाद देने से होगा? भगवान के आशीर्वाद देने से होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि बच्चे लंबी उम्र जिए और उनको कोई रोग ना आए, अपने घर में एकादशी के दिन आप अनाज ही मत बनाओ, अपने पूरे परिवार को एकादशी रखवाओ, बच्चों को भी, बच्चों को बोलो उस दिन हम रोटी नहीं बनाएंगे, उस दिन हम लोग फलाहार बनाएंगे, और इतना सुंदर फलाहार बनाओ, इतना सुंदर कि बच्चे भी पूछे माँ अगली एकादशी कब आ रही है। एकादशी का अगर आप अच्छा भोजन बनाओ, कुट्टू के आटे की पकौड़े बना सकते हो, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना सकते हो, कुट्टू के आटे की रोटी भी बनती है, बहुत कुछ बनता है। अगर आप रखना चाहते हो हम आपको 50 आइटम बता देंगे एकादशी की, 50 आइटम। हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, एकादशी के दिन हर एकादशी में 25 आइटम बनाते हैं प्रसाद में। सोचो 25 आइटम तुम नॉर्मल दिन भी नहीं खा सकते। उनके पड़ोसी भी पूछते हैं भैया एकादशी कब आएगी, बताओ हम आपके घर पे ही भोजन करने आ जाया करेंगे। सोचो, तो एकादशी में बहुत अच्छा प्रसाद बना सकते हो आप, फलाहार, और बच्चों को भी एकादशी रखवाओ। ये एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में आपको। बच्चों को तो छोड़ो, पहले खुद तो रखना सीखो, बच्चों के नाम पे ये सुन दे, पहले खुद रखो, खुद रखना शुरू करो, धीरे 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 बच्चे भी रखना शुरू कर देंगे। तो ये एकादशी व्रत और भगवान का नाम, बस ये दो चीजें करनी है और कहीं नहीं जाना आपको। भगवान का नाम करो, एकादशी करो, मानो आपका घर ही साक्षात वृंदावन धाम हो गया। ठीक है, कितने लोग एकादशी व्रत रखोगे? अभी शनिवार को आएगा एकादशी, हाथ ऊपर करो। इतना सुनने के बाद रखते हो तो हाथ ऊपर करो फिर भी। इधर सुना, जो एकादशी व्रत का ना बताया कि कल को जो ध्यान दे हरे कृष्णा, जो एकादशी व्रत है उसको बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्प वृक्ष, मतलब क्या? जो मांगोगे वही मिलेगा। आपको घर में एकादशी व्रत की कोई कथा है?
आप स्वयं पढ़ लेना। अभी बता रहे थे ना, नंद बाबा का जब पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने एकादशी व्रत किया तो बेटा हुआ है, इसलिए वो एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। कौन सा एकादशी? पुत्रदा, जो पुत्र को दान देता है। और एक एकादशी देखोगे उसका नाम है मोक्षदा, मतलब जो एकादशी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है ना, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, मतलब 12 महीना में कितना हो गया, 26 एकादशी हो गई। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब जो एकादशी करने से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, अगर वो एकादशी कोई करे ना घर में खूब आना जाएगा, अन्न मतलब घर आना जाएगा। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत कर तो खूब माल आएगा घर में, खूब पैसा आएगा घर में। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो एकादशी व्रत करने से तुम्हारे घर का सारे पाप नष्ट हो जाएगी, हैं? सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगी। अब एकादशी व्रत कथा सुनकर देखना, इस राजा का राज्य चला गया था, लेकिन एकादशी व्रत किया तो राज्य आ गया। कोई बड़ी दुख कष्ट भोग कर रहे थे, बीमारी खत्म नहीं हो रहा था, एकादशी व्रत किया तो बीमारी खत्म हो गया। अब उसको पढ़कर देखना, 24 एकादशी की अलग 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 महिमा, जैसे कोई सोम रखते हो, कोई मंगल, कोई बृहस्पति, उसका एक ही फल है, दो फल नहीं है। लेकिन एकादशी में जो कुछ करोगे वही मिलेगा। अभी प्रभु राजस्थान की बात बता रहे थे ना, राजस्थान कोई, यहाँ तो राजस्थानी कोई नहीं है ना, राजस्थान का एक नियम है, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ मर नहीं रहा है, साल साल से पड़ा हुआ उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, अगर किसी ब्राह्मणों को बुलाओगे, भैया इसकी मुक्ति जल्दी से जल्दी कैसे होगा, कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके आप फल दे सकते हो, एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, आप देने का साथ साथ मर जाएगा वो। अभी मैं विदेश गया था, यूरोप गया था, विदेश जाता हूँ, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, उसका प्राण गले में अटक गया, प्राण नहीं जा रहे, शरीर एकदम हड्डी हड्डी रह गया, हजार हजार लाख लाख रुपया खर्चा हो रहा है, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रही है, परिवार दुखी दुखी। तो उन्होंने मेरे को लेकर हॉस्पिटल में गए, बोले बाबा इनको दुख नहीं देखा जा सकता, इतने पैसा जा रहा है, पीछे तो सोच नहीं सकते हो, बताओ इनकी मुक्ति कैसे होगी। मैंने कहा आप एकादशी व्रत परिवार लोग करके इनको दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी एकादशी, पानी जैसे पैसा जा रहा है, पानी जैसे आईसीआर में रखा हुआ। मैंने कहा एक काम करो, आज सबके सब संकल्प ले लो, हम सब एकादशी व्रत करके इनको फल देंगे। जब संकल्प लिया ना उसी रात में मर गए। आप भी संसार में देखना, कोई बड़े से बड़े पाप भोग कर रहा है, दुख कष्ट भोग कर रहा है, नहीं जा रहे, अब एकादशी व्रत करके उसको दे दो, उसी समय खत्म हो जाएगा। वृंदावन में एक गैया की ट्रक में एक्सीडेंट हो गई, उसका हाथ पैर टूट गया, मेन रोड में पड़े हुआ छटपट कर रहा है। हमारे जो बड़े गुरु जी थे अमेरिका में, कोई एक माता जी थी, उसने गुरु जी को पास में गया, बोले गुरु जी एक गैया के एक्सीडेंट हो गई ट्रक में, हड्डी फाटी सब टूट गया, छटपट करा रहा है, कैसा होगा। गुरु जी ने कहा एक काम करो, तू गैया के कान में जाकर के बोल दे एक एकादशी व्रत का फल दे दे। वो बोलने का साथ गैया मर गई। अभी हम नोएडा में गए थे कथा करने के लिए, इसे माता भी पड़ी हुई थी, मर नहीं रही थी, हमने गए बोले संकल्प करो एकादशी का व्रत दोगे, उसी रात खत्म हो गए। बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े दुख एकादशी व्रत करोगे तो सब नष्ट कर देता है, सब नष्ट कर देता है, हैं? और एकादशी व्रत से भगवान की भक्ति मिलता है, भगवान की प्रेम मिलती है। इसलिए भागवत में देखना कोई बार व्रत का नाम नहीं, कोई सोम का नहीं, कोई मंगल का नहीं, कोई व्रत का नाम भागवत में नहीं है, जितने ग्रंथ व्यास देव ने लिखा है, हैं? लेकिन उन्होंने सारे ग्रंथ लिख करके शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत लिखे तब शांति मिली, हैं? इसलिए भागवत में केवल एकादशी कथा आती है। नंद बाबा करते थे, मैया जसोदा, अम्बरीश महाराज, रुक्मिणी, सत्यभामा, और सबसे जो बड़ी एकादशी पांडव और निर्जला, सबसे जिसको पांडव लोग द्रौपदी और कुंती को साथ में रखा करते थे, हैं? लेकिन कुछ कुछ लोगों का भ्रम धारणा है, फिर तो उद्यापना करना पड़ता है, नहीं हम लोग एकादशी का उद्यापन नहीं करते, एकादशी भक्ति देवी है, हम एकादशी का उद्यापना नहीं करते, हैं? करना भी नहीं चाहिए। और कोई कोई कहते अरे ये तो विधवा करती है, सधवा थोड़ी करती है, नहीं, आप भागवत पढ़कर देखो,
भैया जस्ता क्या विधवा हो गई थी, रुक्मिणी क्या विधवा हो गई थी, सत्यभामा क्या विधवा हो गई थी, द्रौपदी क्या विधवा हो गई थी? नहीं, 8 साल से लेकर 80 साल तक कर सकते। ये सबसे बड़ी एक जो व्रत है ना, ये एकादशी व्रत है। अगर ये व्रत करोगे ना, अरे कोई व्रत करने का कोई जरूरत नहीं। कहते ना, जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब। जिसके ऊपर हरि की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर सब कृपा कर लेते हैं, सब देवादेवी कृपा करते हैं। इसलिए एक ही व्रत रखो, एकादशी व्रत रखो, ठीक है? एकादशी व्रत का दिन कोशिश करना 12 बजे तो कुछ नहीं खाए, हैं? उसको बाद में जैसे फलाहार करते हैं ना, जैसे फल जैसे आलू का सब्जी बना देना, केले है, कुटू आटा पकौड़ा बना कर खा सकते हो, मूँगफली और मूँगफली दाना और मखना वगैरह खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कथा आती हैं, एक समय 2 पति-पत्नी में लड़ाई हुई, उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, वो सवेरे सवेरे ठनमन हो गई। देखना ना, जब लड़ाई हो जाती ना, दो दो तीन तीन तक बिना खाए भी रह जाते, अरे खाना ही नहीं खाऊंगी, खाना बनाओगी नहीं। पति ने कहा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, दोनों ही ठनमन हो गई। कभी होती नहीं घर में, होती है खटर बटर होती है। इसलिए बस उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, पूरा निर्जला हो गया। अगले जीवन में देश का राजा रानी बनकर जन्म, राजा रानी एक एकादश की व्रत की इतने महिमा, समझ रहे हो? अगर भूखा नहीं रह जाता ना, सब खटर बटर कर देना झगड़ा, फिर तो पूरा ही निर्जला रह गया, पूरा दिन भर निर्जला व्रत रह जाए। नहीं, झगड़ा करने का जरूरत नहीं, प्रेम से रखो, प्रेम से एकादशी व्रत रखो। थोड़ा भगवान का थोड़ा कीर्तन करना, ठीक है ना? एकादशी मतलब 11, हमारे 11 इंद्रिया है, उसी दिन 11 इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करनी है, ठीक है? इसलिए थोड़ी सारी नाम करना, बैठ कर थोड़ा ठाकुर जी का कीर्तन करना, ठीक है? भगवान की भक्ति करो और खूब शांति सुख में रहो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक भजन प्रभु जी गा ले, और प्रसाद बन गया ना, खाना बन गया।